सो हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश मिश्रा और आपको वेलकम करता हूं अपने इस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग्स पर। दोस्तों, आप जानते होंगे कि रेनी सीज़न का जो सीज़न है स्टार्ट हो चुका है, मानसून आ चुका है दोस्तों। और अब इस सीज़न पे दोस्तों कई अलग अलग टाइप के आप लोग प्लांट्स लगा सकते हैं। तो आज मैं दोस्तों आपके साथ बात करने वाला हूँ और इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ रेन लिली के बारे में। यानी कि जो रेन लिली का प्लांट होता है, बहुत ही अच्छा एक बल्ब प्लांट होता है जिसको आप ना रेनी सीज़न में लगा सकते हैं या फिर कोई भी और सीज़न में लगा सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है। दोस्तों, आज मैं आपको इसी प्लांट्स की पूरी फुल केयर बताने वाला हूँ। उसके पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि मेरी गार्डनिंग से रिलेटेड हर वीडियोज़ की न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियोस में कि ये जो प्लांट होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। इसके दोस्तों बल्ब्स आते हैं क्योंकि ये जो प्लांट होता है दोस्तों बल्ब से ही तैयार होता है। तो आपके बल्ब जो इसके बल्ब होते हैं आप किसी से किसी घर पे लगे हैं आप उससे ला सकते हैं या तो फिर आप इसे नर्सरी से ईजिली इसको परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ भी आपको ईजिली मिल जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाता है। आप फिर चाहे इसे किसी भी सीज़न पर इसका जो बल्ब है वो लगा रहे हो तो बहुत ही जल्दी से ग्रो हो जाता है। और दूसरी बात इसमें यह है दोस्तों कि ये जो प्लांट होता है ना, ये जब रेनी सीज़न होता है यानी कि जब मानसून का टाइम आता है, जब नेचुरल वाटरिंग होती है इसके ऊपर, तभी दोस्तों इसके फ्लावर्स निकलते हैं। बाय द वे, अगर आप अलग से इसमें ऐसे वाटरिंग करते रहोगे तो सिर्फ इसकी जो लीव्स होती हैं पतली पतली वो निकल के आएंगी दोस्तों, पर इसमें जो ये फ्लावर्स देख रहे हैं आप, वैसे इसको आपको फ्लावर्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ओनली फॉर दोस्तों जब रेनी सीज़न होता है, मानसून का टाइम होता है, इसको नेचुरल वाटर मिलता है, तभी इसके फ्लावर जो है वो निकलते हैं। दोस्तों, ये जो प्लांट होता है ना, इसमें काफ़ी सारे कलर्स आते हैं। वाइट आता है, ऑरेंज आता है और पिंक तो आप देख ही रहे होंगे। तो काफ़ी सारे कलर्स के इसमें ये वैरायटीज़ आती है, तो आप चाहे जो भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो। इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसका जो बल्ब होता है इसका साइज़ कई बार बड़ा होता है, कई बार छोटा होता है, जैसे आप प्याज होते हैं ना देखते हो बिल्कुल वैसे ही रहता है। तो दोस्तों, आपको उसको जो लगाने टाइम ना उसको थोड़ा सा एक दो इंच ऊपर से ऐसे जगह छोड़ देनी है, यानी कि जब आप लगा रहे हो ना तो उसकी जो थोड़ा सा ऊपर स्पेस रहती है वो आपको वहाँ पर रहने देनी है ताकि वो आसानी से उसकी जो लीव्स हैं वो बल्ब से निकल पाए। और बहुत ज़्यादा आप इसे डीप नहीं दबाइएगा मिट्टी में ताकि फिर ये अच्छे तरीके से जर्मिनेट या फिर इसके जो लीव्स हैं वो ना निकल पाए, इसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको ऊपर इसमें स्पेस छोड़ना है। अब दोस्तों, मैं आपको बात बता देता हूँ इसकी कि ये जो आप बल्ब इसके लगाएंगे दोस्तों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इनको ये जो प्लांट्स के आप बल्ब लगा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा सा आप गैप पे लगाइए, थोड़ा थोड़ा सा इसको जगह छोड़ेंगे, स्पेस देंगे, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही जल्दी से ना ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो फिर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके फ्लावरिंग्स निकलने में, क्योंकि उनको जब स्पेस नहीं मिलेगी छोटे से पॉट्स के अंदर तो फिर वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप थोड़ा सा ऐसे स्पेस क्रिएट करके, स्पेस थोड़ा सा रख के अगर इसे आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा ये ग्रो करता रहेगा। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसकी लाइटिंग कंडीशन की। तो आप देखिए दोस्तों कि जब आप बल्ब इसमें लगाते हैं तो इसमें आप चाहे ठंड पे या गर्मियों के टाइम में, कभी कभार जब बारिश होती है तब भी ये निकल जाता है, क्योंकि बहुत रेयर ही दोस्तों कभी कभार ही बारिश होती है मौसम के ऊपर, क्योंकि रेनी सीज़न में ही ज़्यादातर बारिश आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप ऐसे ऐसी जगह पर लगाते हो कि अगर डायरेक्ट सनलाइट में भी है, अगर थोड़ा सा सेमी शेड में भी है, तो दोनों ही कंडीशन में बहुत ही अच्छा ये सर्वाइव कर लेता है। बट इसमें फ्लावरिंग तभी आएगी जब इसका रेनी सीज़न स्टार्ट होगा। इसके बाद दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ इसकी सॉइल कंडीशन की, आपको कैसे रखनी है। तो सॉइल दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छी रिच सॉइल पसंद होती है। वेल ड्रेन्ड सॉइल होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों इसमें, क्योंकि जो भी बल्ब वाले प्लांट होते हैं ना वो बिल्कुल अंदर ही सॉइल के दबे रहते हैं। तो उसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी आप पानी दें तो पानी को ईजिली नीचे से ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। इसलिए आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसमें आप थोड़ा सा सैंड ज़्यादा मिला सकते हैं ताकि जब आप इसमें पानी दें तो वो ओवरफ्लो निकल जाए। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन दोस्तों आपको कॉमनली इसका रखना है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप कॉमनली अपने सारे प्लांट्स में 15 से 20 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराते हैं तब आप इसे दे सकते हैं, या तो आप इसमें फॉस्फोरस रिच खाद वगैरह दे सकते हैं या फिर आप इसमें बोन मील डाल सकते हैं। दोस्तों, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा वो एक फर्टिलाइज़र होता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, तो आप उसे दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा वो आपके प्लांट में काम करेगा।
तो दोस्तों हम बात करें तो वाटरिंग की, तो वाटरिंग मैंने आपको पहले बता दी है दोस्तों कि जब रेनी सीजन होता है तब आपको रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ डेली अल्टरनेटिव डेज में बारिश हो रही है या रोज़ भी हो रही है तो आप जानते होंगे कि रोज़ रेगुलर अपने प्लांट्स को पानी देना सही बात नहीं है, क्योंकि उससे प्लांट्स में रूट रॉट हो सकता है। इसीलिए आप दोस्तों अपने प्लांट्स में तभी पानी दें जब इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। पर गर्मियों के टाइम में दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर जब ज़्यादा इसकी टॉप सर्फेस जो इसकी सॉइल की दिख रही है वो थोड़ा सा ड्राई अगर आपको लग रही है, थोड़ा सा दरारे से लग रही है आपको, तो आप इसमें पानी दे दें, क्योंकि इसकी जो सॉइल होती है ना उसको थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारी प्लांट को दोस्तों हल्की सी मॉइस्चर मेंटेन रहती है तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो शायद इसके बल्ब में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि शायद ये फ्लावरिंग ना करे या फिर अच्छे तरीके से ग्रोथ ना करे। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसे रेनी सीज़न में तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, और बाकी सीज़न में आप डेली भी वाटरिंग इसको कर सकते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको अब इस प्लांट्स की लीव्स दिखा देता हूँ कि इसकी आखिर लीव्स कैसे दिखती हैं। दोस्तों आप जैसे कि ये देख पा रहे होंगे ना, नीचे से मैंने इसे लगाया था, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा इसमें ऊपर से आपको स्पेस दे के रखनी है ताकि जब आपका ये प्लांट निकलेगा तो बहुत ईजिली तरीके से ये नीचे निकल पाए। देखिए इसकी लीव्स जो होती हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पतली पतली सी लीव्स होती हैं, ऐसी लंबी लंबी सी लीव्स निकलती हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट होता है ना दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही इसकी लीव्स दिखती हैं। और देखिए दोस्तों मैंने ना इसको यहाँ पे भी लगाया था, एक जगह मैंने यहाँ पे भी लगाया दोस्तों, पर ये क्या हुआ है कि अभी कुछ दिनों पहले ना दोस्तों जब सफाई करते टाइम ना ये गलती से मेरे से ही दोस्तों इसका बल्ब निकल गया दोस्तों। तो मुझे लग रहा था कि ये शायद फिर से ग्रो कर पाएगा, पर दोस्तों मेरे पास अभी सिर्फ एक ही प्लांट बचा रह गया है। तो अब मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूँ कि जब इसका जो मल्टीप्लाई हो गए इसके जो बल्ब्स होते हैं तभी मुझे ये दूसरा एक प्लांट्स और देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जब तक ये मल्टीप्लाई नहीं होता है तब तक इसमें और ज़्यादा अलग अलग से अपने प्लांट्स तैयार नहीं कर सकते हैं अपन। इसलिए या फिर तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन बचता है दोस्तों कि मैं फिर नर्सरी से जाके इसके परचेज़ करूँ बल्ब को, या तो फिर मेरे जो नेचुरली इसके बल्ब जो मल्टीप्लाई होंगे मैं उससे इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लूँगा। दोस्तों यही एक प्रोसेस है इसमें, जल्दी से जल्दी इसकी जो खास करके दोस्तों रेनी सीज़न में बहुत जल्दी से ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि शायद अभी इस सीज़न में मैं इन्हें देखता हूँ अगर ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नहीं तो फिर मैं इसे अलग से इसके बल्ब परचेज करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी फ्लावरिंग की। तो देखिए आप दोस्तों फ्लावर इसका देख पा रहे होंगे, जहाँ से दोस्तों इसकी स्टेम ऐसे निकल के आती है ना, थोड़ा सा ये रेडिश होता है ऊपर से, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये, और ये ना काफ़ी फ्लावर जो होते हैं काफ़ी दिन तक चल जाता है दोस्तों। अभी ये मेरा प्लांट जो फ्लावर है दोस्तों अभी ये कल निकला हुआ है, अभी इसकी दोस्तों जो लाइफ होती है कम से कम 2 से 3 दिन तो ये चल ही जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे फ्लावर्स होते हैं दोस्तों जो एक दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, जैसे कि आप हिबिस्कस की बात ले लीजिए, एक दिन से ज़्यादा उसके फ्लावर्स नहीं चल पाते हैं। तो रेन लिली का दोस्तों यही खासियत है कि आपको ये 1-2 दिन देखने के लिए मिल जाती है अपने गार्डन पर, तो बिल्कुल जैसे ही इसका फ्लावर निकला है ऐसे ही बरकरार रहता है दोस्तों, तो आपको ये काफ़ी अच्छा एक लुक देता है आपके गार्डन में। तो दोस्तों अभी मेरे कल ही निकला हुआ है गार्डन पे, तो अभी 1-2 दिन तक अभी ऐसे ही रहेगा, तो ये काफ़ी इसकी अच्छी बात है। तो अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो अभी भी जाके दोस्तों आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक फ्लावरिंग प्लांट है, आपको अपने गार्डन पर ये जब लगाओगे तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों बस यही छोटी सी एक इसकी केयर वीडियोस थी आप लोगों के साथ, वो भी रेन लिली के ऊपर। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो दोस्तों, और ये वीडियोस भी आपको अगर अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल वॉ गार्डिंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियोज़ पर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।